नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल टेक पॉइंटर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर चल रहा है स्केचअप प्रो 2019 का लेटेस्ट वर्जन, जिसमें हम आज आपको इसमें रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाता है इसके बारे में बताएंगे, तथा इसके बाद इसमें आप प्लगइन्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। चलिए मैं खोल देता हूँ स्केचअप। इसके इंटरफेस और इसकी सेटिंग के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप इसमें किस तरह से रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इसके जो टूल्स हैं उनको आप बढ़ा सकते हैं, तथा इसके जो एक्सटेंशन हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ऊपर में आपको कुछ टूल्स दिख रहे होंगे। यह जो टूल हैं वह एक्सटेंशन डाउनलोड करने के बाद ही यहाँ पर आए हैं। यह जो एक्सटेंशन है वह है 1001 बिट, जो कि स्केचअप की तरफ से फ्री है। इसको आप यहाँ पर यूज़ करके बहुत सारी डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, एक ऑप्शन दिया गया है जो है एक्सटेंशन बेराव। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और विंडो खुलकर आएगी। आप याद रखें कि यहाँ पर आपका इंटरनेट इनेबल होना चाहिए, तभी आपके सामने यह विंडो आएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑल इंडस्ट्रीज। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और भी ऑप्शन खुल जाएंगे। अब आप ये ध्यान रखें कि आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उससे संबंधित, यदि यहाँ पर देखिए अलग अलग तरह के बहुत सारे प्लगइन्स हैं, अब आप उसी प्रोजेक्ट से संबंधित यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऑल पर रहने देता हूँ, और देखिए इस पर अभी मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन है ब्राउज ऑल ऑफ द एक्सटेंशंस, इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर अभी मेरा यह वाला विंडो खुल गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले ही लॉगिन कर रखा है। यदि आपका लॉगिन नहीं है तो आपसे यहाँ पर आपका मेल आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। आपको यहाँ पर मेल आईडी वही रखनी है जो आपकी पहले से मेल आईडी, जीमेल आईडी वगैरह आपके पास जो है, और यहाँ पर पासवर्ड आपको नया बनाना होता है। आप यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड में जाकर अपना नया पासवर्ड जनरेट कर लें, तथा यहाँ पर लॉगिन होने के बाद आपके पास इस तरह की विंडो आ जाएगी। यहाँ से देखिए, यह वाला जो पहला एक्सटेंशन है यह गूगल स्केचअप की तरफ से फ्री है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पहले ही देखिए डाउनलोड कर रखा है। इस तरह से आपको इसके टूल्स नज़र आएंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर में दिखाई दे रहे होंगे। अभी जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा अनइंस्टॉल का, क्योंकि यहाँ पर यह वाला जो टूल है वह मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ गया जिसमें लिखा है अनइंस्टॉल, क्योंकि मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है। अभी आपको मान लो किसी भी टूल को यहाँ से डाउनलोड करना है, इस तरह से आप अपने माउस का स्क्रॉल घुमाने के बाद इस तरह से आप बहुत सारे टूल्स यहाँ पर देखिए देख सकते हैं, और जिस भी कैटेगरी का आप यहाँ से टूल डाउनलोड करना चाह रहे हैं वह देखिए इस साइड में दी हुई हैं। आप यहाँ से भी सेलेक्ट करने के बाद उसी कैटेगरी का टूल यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मान लीजिए आपको यहाँ पर कहीं पर भी पाइपलाइन बिछानी है, तो आप यहाँ से इस वाले टूल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए गेट द एक्सटेंशन, यह वाले एक्सटेंशन को डाउनलोड करने के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ से इस तरह से इसका कोई भी प्लगइन्स डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको आज का यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा वीडियो के नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा उसकी बगल में दिख रहे घंटे के बटन को दबा दें, ताकि आपको हमारे अगले आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।